तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बर्गर, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए बर्गर बंस, प्याज, आलू, खीरे और टमाटर। तो गाइस, सबसे पहले हम उबले हुए आलू ले लेंगे और उसको रफली चॉप कर लेंगे। गाइस, आप इसको कद्दूकस में ग्रेट भी कर सकते हो। तो मैंने एक छन्नी ली है, उसमें सारे आलू डाल दिए हैं और एक स्पून की हेल्प से पोटैटोस को मैश कर दिया है। इस तरह मैश करने से गाइस बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर निकल के आता है। और अगर आप छन्नी से ग्रेट करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो गाइस, हमने सारे पोटैटोस मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले से नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, टमाटो पाउडर, किचन किंग और अमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। गाइस, कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप भुना हुआ बेसन भी यूज कर सकते हो। इससे आलू अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और फ्राई करते समय बिखरते भी नहीं हैं। तो अब हम हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा आलू लेंगे और उसको रोल करेंगे। राउंड शेप देने के बाद हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे और टिक्की की शेप दे देंगे। देखिए गाइस, कितनी अच्छी टिक्की की शेप आ गई है। इसी तरह से हम और टिक्कियां भी बना लेंगे। हमने सारी टिक्कियां बना ली हैं। तो अब मैंने एक पैन लिया है। गाइस, मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है क्योंकि मैं कम ऑयल में टिक्कियां फ्राई करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं कम ऑयल में टिक्कियां बनाना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है। तो गाइस, जब तक हमारी टिक्कियां पक रही हैं तब तक आप एक लाइक तो कर ही सकते हो, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, हमारी टिक्कियां एक साइड से पक चुकी हैं और हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। देखिए, कम ऑयल में भी हमारी टिक्कियां कितने अच्छे से पकी हैं। गाइस, टिक्की जब थोड़ी थोड़ी सीख जाए तब इसको थोड़ा सा हमें प्रेस कर देना है। अगर हम पहले से ही अच्छे से प्रेस करेंगे तो टिक्की के टूटने का डर होता है, इसलिए थोड़ा पकाने के बाद ही हम इसको प्रेस करते हैं। देखिए गाइस, हमारी टिक्की कितने अच्छे से सिक गई है। अब हम बर्गर बन लेंगे और उसको भी अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप चाहो तो घी या बटर के साथ इसको सेक सकते हो, लेकिन मैं कम ऑयल में पका रही हूँ तो इसमें मैंने कोई ऑयल या घी नहीं यूज़ किया है।
तो इस पे हम लगाएंगे ग्रीन पुदीने की चटनी, और उसके ऊपर मैंने टिक्की लगा दी है। ओहो, मेरा चीज तो टूट गया है। कोई बात नहीं, आप एक फुल स्लाइस भी चीज की लगा सकते हो। मैंने जब इसका रैपर खोला तो वो पीसेस में टूट गया था। और इसके ऊपर हमने लगा दिए अनियन, कुकम्बर एंड टमाटोज। मैंने यहाँ पे तंदूरी मेयोनीज यूज की है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप नॉर्मल मेयोनीज भी यूज कर सकते हो, लेकिन गाइस तंदूरी मेयोनीज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसके ऊपर लगा दीजिए टोमेटो केचप। हमारा बर्गर बनके तैयार है। अरे यार, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा, फट से खा लूं मैं तो इसको। तो आप भी टेस्ट कीजिए। लेट्स टेस्ट।